नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 28 सितंबर मंगलवार के कुंभ राशि के महाराशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। वह कुंभ राशि के व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ, इनको स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा आज के दिन बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानी के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे तथा आज के दिन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से आपको सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में बढ़ोतरी हो सकेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं, आज के दिन कौन से क्षेत्र में आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आपको बताएंगे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों के बारे में और जो कि आज के और आपके आगे के दिन को और भी ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो आपसे आग्रह अनुरोध की जरूर बोलेंगे कि आप इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापार में सारे जारी से लाभ हो सकता है। माता पिता के साथ संबंध मधुर होंगे जिनसे कि आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेंगी। आपको जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेंगे, संतान के सुख की प्राप्ति होंगे और आप चीजों को बेहतर ढंग से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारी के सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सके। आज आपके सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ सकती है, कोई गोपनीयतावाद आज के दिन आपको पता चल सकती है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। माता दुर्गा को धूप और दीप से पूजा करें तभी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपका दिन आपके लिए उत्तम रहेगा, आपके लिए काफी सर्वश्रेष्ठ और काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा, आपको आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के मौके भी प्राप्त होंगे, आपका आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत रह सकता है। से जुड़े लोगों को लाभ हो सकते हैं, आप कोई भी ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है, आपको खुद को किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। आपके काम से अधिकारी वर्ग भी प्रसन्न होंगे। आप अपने सलाह के क्षेत्र में किसी जरूरतमंद में लोगों को दे सकते हैं, आपकी सलाह किसी जरूरतमंद लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है। परिवार में सुख शांति रहेंगी, आपको आपके ऊपर से जो भी बाधाएं, दुख तकलीफें या समस्याएं चल रही हैं उन सबों से आपको छुटकारा पाने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही मिलजुल परिणामों की प्राप्ति होने वाला है, लेकिन लंबे के लिए बढ़िया दिन रह सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ जैसे से और कुछ रेस्टोरेंट में जाकर डिनर का आनंद भी उठा सकते हैं। आप किसी भी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से बचने का प्रयास करें, एकाग्र मन से किया गया कार्य भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप कम से कम समय में काम को निपटाने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें लाभ भी आपको सफलता भी अवश्य हासिल होंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों को अधिकारी से मदद मिल सकती है, आप किसी सेहत भी अच्छी खासी रह सकती हैं, आपको धन में वृद्धि करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे, आपके सारे जरूरी कार्य भी समय से पहले पूर्ण हो सकते हैं। ऐसों के मामले में लोगों पर जरूरतमंद से जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचने का प्रयास करें, आपका खर्च भी बढ़ सकता है। किसी को उधार पैसे लेन देन में सोच विचार करना भी सफल है। आप पैसों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत फहमियां मन में ना पालें, जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपका बन सकता है और कोई ऐसा करीबी व्यक्ति भी आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, ऐसे में आपको अपने करीबी व्यक्तियों से सावधान सतर्क रहने की कोशिश करें। आपको खूब तरक्की मिल सकती है तथा आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों को आप बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। आपके जीवन में कुछ जरूरी बदलाव होंगे और आपको कुछ जरूरी बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान आज के दिन आपको काफी आसानी से निकाल सकते हैं। उधार दिए पैसे भी अचानक से वापस मिल सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है। आप कोई दूसरों पर भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को भी आप किसी अच्छे से कार्य को करने की प्रेरित कर सकते हैं। आपके सभी सपने और सभी कार्य भी पूरे होंगे। आप जीवन में कई प्रकार के फायदों को करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके व्यवहार में कुछ अच्छा सा बदलाव हो सकता है तथा आपके सभी दुखों का समाधान भी निकलने वाला है। मित्रों,
आप लोगों को बताना चाहेंगे कि करियर को बढ़ाने के लिए आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में आपकी पॉजिटिविटी आ सकती है, काम काजों में आपको सफलता मिलती रहेंगी और जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। दोस्तों को भी मिलने की उम्मीदें हैं, आपके उत्साह में वृद्धि होंगे और भाई बहनों से आपको पूरा पूरा सहयोग। तो मित्रों, आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को भगवान गणेश जी की कृपा से बेहतरीन कार्य क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आपको किसी भी प्रकार के गलतफहमी से बचने का प्रयास करने होंगे। आप लोगों को जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करने का मौका भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक स्थितियां भी काफी अच्छी होंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होंगे। आप किसी दूसरे के उत्साह को देखकर बहुत ही उत्साहित रहेंगे। आप लोगों का दाम्पत्य जीवन भी काफी खुशियों से भरा रहेगा। छात्रों को भी कड़ी मेहनत करने में जरूरत सलाह मिलेंगे। लोहे का व्यापार कर रहे लोगों को भी अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होंगे। कोर्ट कचहरी के फैसले भी आप लोगों के पक्ष में होंगे। दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के मधुरता बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आपको पिता के क्षेत्र में बहुत ही बड़े शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे तथा आप लोगों को इस समय शिक्षा व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नया कुछ अलग करने का मौका भी प्राप्त होंगे। आपके मन में नए नए विचार भी आएंगे। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होंगे जिनसे कि आप लोगों के मन में काफी ज्यादा प्रसन्नता रहेंगे। आप अपने किसी भी बातों को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे कि आप लोगों को खुशनुमा वातावरण बनाने का मौका भी प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के खुशनुमा वातावरण रहेंगे। आप लोगों को धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका भी प्राप्त होंगे। सेहतमंद जरूरतमंद लोगों की मदद करने के अवश्य कोशिश करें। गरीब और असहाय लोगों की जितनी ज्यादा मदद करोगे आपको आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता उतनी ही बेहतर सफलता की प्राप्ति होंगे। आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकोगे। धार्मिक कार्यों को करने का मौका भी प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन को भी बेहतरीन बनाने के सभी प्रयास सफल होंगे। आप लोगों को इस समय जरूरतमंद लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंधों को बेहतर करने का जरूरत होंगे। किसी भी पुराने मित्रों के साथ मदद का प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को इस समय बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कार्य को करने के जरूरत रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आप लोगों की मधुरता बनी रहेंगे। घर परिवार का वातावरण भी काफी अच्छे होंगे। आप लोगों को खुशियों की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को करीब लोगों के साथ भी बेहतरीन संबंधों को बनाने का मौका मिलेंगे तथा कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगे। आप लोगों को इस समय करीबी लोगों के साथ खुशियों को शेयर करने का बड़ी खुशखबरी को पाने का और जीवन में हर प्रकार के दुखों तकलीफों और परेशानियों को दूर करने के विभिन्न मौके भी प्राप्त होने वाले हैं। विभिन्न खुशखबरी भी आपको मिलने वाले हैं जिनकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और अपने सारे के सारे कार्य को भी अपनी इच्छा के अनुसार कर पाने में सक्षम होंगे और बड़ी खुशखबरी नई कामयाबी की प्राप्ति भी आप लोगों को हो पाने में सक्षम होंगे। आप लोगों को भाग्य का पूरा साथ भी प्राप्त होने वाला है और भगवान गणेश की कृपा से आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी होने वाली है। आप लोगों को अचानक से धन के क्षेत्र में वृद्धि होंगे। ऑफिस का किसी बड़े कार्य में आप लोगों का अधिकारी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों को भी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता मिलेंगे। व्यापारियों को भी आय के नए स्रोत की प्राप्ति होंगे और आप लोगों को जीवन साथी के साथ कुछ नए कार्य को शुरुआत करने से बेहतरीन शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। इस समय बिना किसी सोच विचार के कार्य को करना आप लोगों के लिए मुश्किल परेशानियों में आप लोगों के जीवन में कई प्रकार के समस्याओं में आप लोगों को डाल सकता है। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके धैर्य को बनाए रखने की कोशिश करें। लंबे के लिए भी दिन काफी ज्यादा सम्मानदायक रहेंगे। आपके मन में सकारात्मकता का भाव रहेंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होंगे। ऑफिस में आपको अपने काम काजों के लिए प्रशंसा की प्राप्ति होंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करने से ज्यादा सफलता की प्राप्ति होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में धन लाभ के मौके मिलेंगे। आप लोगों की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आप लोगों के कंधों पर बनी रहेंगे। परिवार के लोगों का पूरा सहयोग भी आपको मिलेंगे। पारिवारिक स्थितियां भी काफी अच्छे होंगे। छात्रों को भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी आप लोगों का मजबूत रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप लोगों को संबंधों को बेहतर करने का मौका भी मिलेंगे और कोई अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को प्राप्त होंगे।
आप लोगों का दिन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, आप लोगों का आर्थिक पक्ष भी मजबूत होंगे, दोस्तों का किसी ज़रूरी कार्य में सपोर्ट की प्राप्ति होंगे, आसपास के लोगों से सहानुभूति बनाए रखने की कोशिश करें, कई सारे लोग आप लोगों के फेवर में बने रहेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है, आप लोगों के सभी समस्याएं सारी की सारी जरूरतें भी अवश्य पूरी होंगे, लिमिट के लिए समय बेहतरीन रहेंगे, आप लोगों के जीवन की परेशानी भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे, आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, आपको किसी जरूरी कार्य में परिवार का पूरा पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है, रोजगार के मामले में आपको वसूल सलाह भी लेनी होंगे, बिजनेस में कर रहे छात्रों को भी इस समय बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति होंगे, साथ ही कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपको हर कार्य में आपकी मदद करेंगे, जो हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे, आप लोगों को किसी भी बड़े काम काजों को करने से पहले बड़े व्यक्तियों की राय मशवरा जरूर करने होंगे, किसी भी व्यक्ति के बड़े प्रोजेक्ट में आप लोगों को बातों कर सकते हैं, आप लोगों का दिन भी बहुत ही ज़्यादा मिला जुला रहेंगे और भगवान गणेश जी की कृपा से आप लोगों के सारी समस्याएँ भी तकलीफें भी और संकटों के बादल भी दूर हो जाएंगे, घर परिवार की रक्षा स्वयं गणेश जी करने वाले हैं, काम काजों को निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके भी मिलेंगे, दोस्तों के साथ आप लोगों के रिश्तों में सुधार आएंगे, आपका रुझान भी भौतिक सुख साधन में बढ़ोतरी होंगे, आप लोगों को मन की बातों को किसी के साथ शेयर करने का मौका भी मिलेंगे, भविष्य को लेकर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं, ऑफिस में काम काजों की थोड़ी सी अधिकता देखी जा सकती है, आप परिवार वालों के साथ किसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, ऑफिस में आपको कोई बड़े काम काजों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिन कामों को पूर्ण करके आप लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी होंगे, आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा सुधार देखा जा सकता है और काफी बड़ी खुशखबरी को पाया जा सकता है, पारिवारिक जीवन भी आप लोगों का सुखद रहेंगे, जीवन साथी को सफलता मिलेंगे, लिमिट के साथ रिश्ते भी काफी अच्छे होंगे, घर वालों का पूरा सहयोग भी आपको हर कार्य में मिलेंगे, आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, आपका दिन शुभ मंगलकारी हो, जय मां विंध्यवासिनी।